अस्सलामुअलैकुम जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एडवांस मैथमेटिकल मेथड, एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे पास है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जी, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अपना ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, अपने एक एक कन्फ्यूजन को, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करें, और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप किसी टाइम भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस कोशिश करूँगा कि खातिर खा रिप्लाई कर सकूँगा। जी, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का, ऐसी इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। जी, स्टार्ट करते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जी, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड ऑर्डर। देखिए, अब कुछ मिसकंसेप्शन भी होती हैं, तो सिंपल आपने यहाँ पे, मैं थोड़ा लिख नहीं सकता इस पॉइंटर से, तो थोड़ा मैं बातें बोल दिया करूँगा। तो सेकंड ऑर्डर का मतलब यहाँ पे सिंपल ये होता है कि सेकंड डेरिवेटिव, ये जो आपको सेकंड ऑर्डर मिलता है इसका सिंपल मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा, डिफरेंशियल फॉर्म तो वो खुद भी ही बन गई जब वो डेरिवेटिव की फॉर्म में आ गई। अच्छा, बाज़ औक़ात यहाँ पे ये लिखा होता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखें, आपको ज्यादातर लीनियर ही मिलेगा। देखें, लीनियर का क्या मतलब है कि ये देखें, अगर ये आपके पास जो वाई डबल प्राइम खड़ा है, डबल प्राइम इज रिप्रेजेंटिंग हेयर सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ ना, डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर या डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए, मैंने जब कहा वाई, तो इसका मतलब कि वाई की मैक्सिमम पावर वन है, इसलिए इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। यहां तक बात समझ आ गई? मैंने क्या कहा कि जो डेरिवेटिव की डिग्री होती है उसको यहाँ पे आप सेकेंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर मेंशन करते हैं, और जो उस वेरिएबल की डिग्री होती है उससे आपको पता चलता है कि ये इक्वेशन लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या कुछ भी है। यहां तक बात समझ आ गई? हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये ट्राई किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जी, आगे क्या कहते हैं, इन ऑर्डर टू सॉल्व सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट द गिवन इक्वेशन इज इधर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। देखिए जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि हमें पहले तो ये चेक करना होगा जब भी हमें कोई इक्वेशन सॉल्व करने को दी जाएगी कि क्या जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो ये दोनों टाइप्स आपने माइंड में रखनी है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। यहां तक बात समझ आ गई कि अब आपने जब भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई कि आपके पास जो गिवन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। यहां तक बात समझ आ गई? होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। अब देखें, अब अगर ये बात है तो हमें इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि यहाँ पे हमारे पास होमोजीनियस किसे कहते हैं और सेकेंड आपके पास नॉन होमोजीनियस किसे कहते हैं। जी, अब ये आपके पास गिवन इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के साथ साथ अब यहाँ पे ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है। अब यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है जी ऑफ एक्स, जो आपको बताएगा कि आपकी गिवन इक्वेशन आया कि होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। कैसे, गौर से देखें, अगर आपका ये जी एफ एक्स जीरो होगा, इसका मतलब
आपकी इक्वेशन होमोजीनियस होगी, और अगर ये आपका जी एफ एक्स नॉन जीरो होगा तो आपकी इक्वेशन नॉन होमोजीनियस होगी। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इक्वेशन होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस, इसी की बुनियाद पे फिर इसके डिफरेंट जो है वो सॉल्यूशंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर? अच्छा, एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो जी एफ एक्स जीरो होता है और जीरो नहीं होता, मीन इक्वेशंस होमोजीनियस होती हैं और नॉन होमोजीनियस होती हैं, इसके लिए एक और पॉइंट कि जो इक्वेशंस होमोजीनियस होती हैं इनको सोर्स फ्री इक्वेशन भी बोलते हैं, इनको सोर्स फ्री इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या मतलब है कि इनमें सोर्स की जो प्रेजेंस है वो नहीं होती, बल्कि फील्ड की प्रेजेंस होती है। हम इसमें सोर्स को डिस्कस नहीं करते, हम उसके इफेक्ट को डिस्कस करते हैं, और जो नॉन होमोजीनियस है उसमें सोर्स प्रेजेंस सोर्स की होती है। हम सोर्स को भी डील करते हैं और इफेक्ट को भी डील करते हैं। सेम वही मतलब होगा जैसे मैकेनिक्स की आप दो टाइप्स नाइन्थ क्लास में पढ़ते थे, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स क्या थी कि इट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। इसको आप इस फर्स्ट टाइप से रिलेट कर सकते हैं कि हम मोशन को तो डील करेंगे, मतलब इफेक्ट को तो डील करेंगे, बट कॉज ऑफ मोशन को डील नहीं करेंगे। और इस तरह हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं जिसमें हम इफेक्ट को भी डील करते हैं और काज को भी डील करते हैं। जी, यहाँ तक अगर मैं आपको बात समझा पाया हूँ तो मैं आगे मूव करता हूँ, और आगे हमारे पास है यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये, और हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं होमोजीनियस पार्ट के लिए, जिसमें ये आपका जी एफ एक्स मैंने यहाँ पे जीरो मेंशन किया हुआ है। अच्छा, अब जनरल सॉल्यूशन में यहाँ पे निकालने लगा हूं। आगे अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो माइंड से निकाल दें, ये आपके लिए चुटकियों का खेल होने वाला है। 30 सेकंड में मैं आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की होमोजेनियस टाइप को सॉल्व करके दिखाऊंगा और आप भी इस काबिल हो जाएंगे। जी, अब यहाँ पे ये आपका जो पी एफ एक्स होता है ये सिंपली रिप्रेजेंट करता है ए को, क्यू एफ एक्स रिप्रेजेंट करता है बी को, और आर एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है सी को। अब जब आपको कोई भी इक्वेशन दी जाएगी तो उसके लिए जो करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है ये वाली, ये हमें पहले बनानी होगी। तो ये हम जनरल सॉल्यूशन में बनाएंगे, इसको बार बार नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे। देखिए जी, अब हम क्या करेंगे, हम एक करेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन के लिए एक इसकी इक्वेशन कंसीडर करेंगे कि y इज इक्वल टू ए की पावर आर एक्स। अच्छा, इसी का y प्राइम ले लें तो आपके पास e पावर आर एक्स ऐसे ही आ जाएगा, और इस आर एक्स का जो फर्दर डेरिवेटिव आएगा वो होगा r, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसका अगेन डेरिवेटिव लें, एक r पहले खड़ा है, एक r और आएगा तो r स्क्वायर बन जाएगा। ये जो तीनों वैल्यूज हैं y प्राइम y डबल प्राइम, इनको यहां से उठा के आप इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दें। जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन। यहाँ से आप e पावर आर एक्स तीनों में है, चूंकि तीनों टर्म्स में यहाँ मौजूद है, तो आप इसको क्या करें, यहाँ से कॉमन ले लें। जब आप कॉमन लेंगे तो कॉमन लेके इसको जीरो कर दें, और ये टर्म आपके पास क्या बन जाएगी, ए आर स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, बी आर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और ये है हमारी करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। आपके लिए 2-3 मिनट मुश्किल होंगे, अभी आपको सारी बातें फिंगर टिप्स पे तैयार हो जाएंगी। जी, अब ये तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालना चाहूं तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करता हूं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के से इसके तीन जो है डिफरेंट केसेस बनेंगे। या तो जो आपके पास आर आएगा आर वन और आर टू, इसकी जो वैल्यूज होंगी वो दो होंगी और वो डिफरेंट होंगी। देखें, फिर सुने, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, आपके पास आर की दो वैल्यूज आए और वो डिफरेंट हों, तो फिर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होगा, y इज इक्वल टू सी वन ई पावर आर वन एक्स प्लस सी टू ई पावर आर टू एक्स। यहाँ पे आप सिंपली आर वन और आर टू की वैल्यू को
प्लेस कर देंगे। मैं फिर कह रहा हूं टेंशन नहीं लेनी, हम अभी एग्जाम्पल पे जा रहे हैं, 5 एग्जाम्पल 6 सॉल्व करेंगे, आपको हर एक पॉइंट क्लियरली समझ आ जी। नेक्स्ट, अगर आपके पास ये आपको सिंगल वैल्यू दे, जैसे r इज इक्वल टू 5 मैंने सपोज की हुई है, तो फिर आपका सोल्यूशन थोड़ा देख लें डिफर करेगा। y इज इक्वल टू c1 e पावर, इधर r 1x था तो यहाँ rx होगा क्योंकि r है ये अकेला, आगे c2 और यहाँ rx आएगा e की पावर में। एक जो चीज आपने डिफरेंस यहाँ पे जनरेट करना है वो है कि c2 के साथ x जो है वो मल्टीप्लाई हुआ खड़ा है। यहां तक बात समझ आ गई? तो ये हमारे पास दूसरा केस है। केस नंबर 3, आपके पास अगर आप r निकालें और वो आपके पास कंप्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ जाए, मतलब आपके पास आयोटा की फॉर्म में आ जाए, तो देखिए कंप्लेक्स नंबर में दो चीजें होती हैं, एक उसका रियल पार्ट होता है जिसमें आयोटा नहीं होता, ये वाला जो मैंने अल्फा के नाम से मेंशन किया है, और एक इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल को आपने अल्फा कह देना है और इमेजिनरी को आपने बीटा कह देना है। तो यहाँ पे e पावर अल्फा एक्स इज इक्वल टू आपके पास इनटू c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। तो ये आपके पास यहाँ पे 3 केस बन गए। अब एक सेकंड में इसको रिवाइज कर लें कि आपने सिर्फ ये देखा कि व्हाट इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी दो टाइप्स, इक्वेशन क्या है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनानी है, बार बार नहीं बनानी, और 3 केसेस हैं यहां तक देख लें। अभी आगे काम चुटकियों में होने वाला है जी। स्टार्ट करें नेक्स्ट। यस, देखें आपको मैंने कहा था ना एक मिनट में आपके सामने इक्वेशन सॉल्व करूंगा, जरा गौर से देखना। ये आपको इक्वेशन गिवन है ये, अब देखें जो y डबल प्राइम के साथ होती है वो तो a की वैल्यू होती है, जो y प्राइम के साथ होती है वो तो b की वैल्यू होती है, और जो y के साथ होती है वो तो c की वैल्यू होती है, और ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है। आप इस अबव इक्वेशन से a b c की वैल्यू निकालें और करैक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट कर दें, जब पुट करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी r² - 5r + 6, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो मेरे पास r की दो वैल्यूज आई हैं और दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं। अब फैसला आप पे है कि यहाँ पे केस कौन सा यूज करना है, ईमानदारी का सबूत दें, यहीं पे इसको पास करें और आप क्या करें मुझे बताएं कि यहाँ पे केस कौन सा यूज करना है। ठीक है, अब सिंपल देखें दो वैल्यूज डिफरेंट, केस नंबर 1, तो आप सॉल्यूशन लें और 1 r² की वैल्यू पुट कर दें। देखिए कितना एक टाइम मैंने लगाया इसको सॉल्व करने में, क्लियर? यस। देखें अब अगर यहाँ पे आपको c1 और c2 फाइंड करना हो तो आप इनिशियल कंडीशन यूज करते हैं जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, अगर मेंशन होंगी तो हम वहां पे उनको यूज कर लेंगे। एग्जांपल नंबर 2 जी, खुद सॉल्व करें, y डबल प्राइम के साथ a की वैल्यू, y प्राइम के साथ b की वैल्यू, और वैसे y के साथ c की वैल्यू कांस्टेंट जी। ए बी सी आ गया, पुट कर दें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, ar² + br + c में पुट कर दें जी, फैक्टराइज कर दें, r की वैल्यू आ गई, वैल्यू a की है, आंखें बंद करके बताएं केस नंबर कौन सा यूज होगा। केस नंबर 2 जी, सॉल्यूशन आपके सामने, y इज इक्वल टू c1 e पावर rx, तो rx की जगह, r की जगह इसकी वैल्यू 3 पुट कर दें, प्लस c2 x और a की पावर अगेन r पुट कर दें rx, क्लियर? और यहाँ c2 के साथ x लगाना ना भूलिएगा, क्लियर? देखें मैंने कहा 30 सेकंड में हो जाएगी। नेक्स्ट, अब देखें आपको इसने इस फॉर्म में दे दिया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। अब देखें चूंकि डेरिवेटिव की हायर डिग्री जो है वो 2 है, तो सेकंड ऑर्डर, और जो आपके पास वेरिएबल है इसकी हायर डिग्री जो है यहाँ पे सिर्फ 1 है, इसलिए इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। देखें इसके साथ जो 9 है a की वैल्यू, जो 24 है ये b की वैल्यू, और जो 16 है वो c की वैल्यू, वैल्यूज पुट करें, आपके सामने आंसर आएगा, आंसर अगेन सिंगल आ गया है, और अगर सिंगल आंसर आया है तो यहाँ पे आपका केस नंबर अगेन 2 वैल्यू पुट कर दें, क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल खुद सॉल्व करें, मैं नहीं बोलूंगा, खुद सॉल्व करें, और चुटकियों में अगर ना हो तो फिर बताना। यहाँ पे आपके पास ये r आया है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको
मैंने इसको क्या किया कि यहाँ पे मैंने क्या किया इसको कि मैंने R1 और R2 को यहाँ पे लिख लिया। देखें, जब मैंने R1 और R2 को यहाँ पे लिखा है तो मेरे पास क्या आ गया, ये -4 + 3i -4 - 3i। आप इसको कंपेयर कर लें, रियल को अल्फा कहेंगे, इमेजिनरी को बीटा कहेंगे, केस नंबर आपका 3, और अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रख दें और बीटा की जगह बीटा की वैल्यू रख दें। क्लियर? सिर्फ एक सेकंड। चलो मैं एक एग्जांपल सॉल्व करा लूं। और अभी मैंने ना एक सीट और ना भाई और आई है सनो को सीट बड़ी ना था के तो मैं एक गुसरी फवाद आ गया स्लैब में अगर मैं जा तल्ले ही हुआ आज मैं बंद। अच्छा सिर्फ मेरे बाद बंद करी। ठीक है, वीडियो रह गई है। यो नंबर बार बार क्या रहे हैं, खपाई होते हैं। चाबी देवा, मैं यहाँ 2 मिनट। जी, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है 5। 5 एग्जाम्पल नजर आ रही है यहाँ पे। तो आपके पास वाई डबल प्राइम, यहाँ पे मुझे वाई प्राइम गिवन नहीं था तो मैंने उसको यहाँ पे 0 कंसीडर कर लिया, और वाई डबल प्राइम के साथ ए की वैल्यू, वाई प्राइम के साथ बी की वैल्यू और वाई के साथ सी की वैल्यू, ये हमारे पास +-2i आ गया। तो फिर मैंने इसको उसी फॉर्म में लिखा, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। इसमें रियल पार्ट मेरा अल्फा है और इमेजिन पार्ट मेरा बीटा है। अल्फा और बीटा की वैल्यू मैं पुट करूंगा और e^0x ये 1 के इक्वल हो गया और ये मेरे पास आ गया। यहाँ पे मैंने लिमिट्स भी ऐड की हुई हैं ताकि आपको इनका, सॉरी, इनिशियल कंडीशन का भी पता चल जाए। यहाँ पे इनिशियल कंडीशन मुझे 2 गिवन है। फर्स्ट इनिशियल क्या है कि y इंटू 0 जो है y ऑफ 0 4 के इक्वल और y प्राइम 0 6 के इक्वल। पहले मैं y ऑफ 0 पुट करता हूँ। देखें, जहां जहां पे x है वहां पे 0 पुट कर दें। y ऑफ 0 C1 cos 0 C2 sin 0। साइन 0 छुट्टी कर गया ये यहाँ से, और cos 0 आपका 1 होता है, C1 बच गया, और y ऑफ 0 किसके इक्वल है, 4 के, तो C1 क्या आ गया हमारे पास, 4। अब चूंकि हमें y प्राइम गिवन है कंडीशन में, तो हम इस इक्वेशन को जो है वो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो मेरे पास ये 2C1 cos का क्या आ जाएगा, -sin 2x, और 2x का फर्दर 2 तो वो 2 शुरू में आ गया, और इस तरह 2C2 cos 2x। अब लिमिट पुट कर, कंडीशन पुट करें 0, तो ये आपका फर्स्ट फैक्टर जो है ये 0 हो गया, सेकंड cos 0 1 हो गया, और 2C2 और ये 6 इक्वल है, तो यहाँ C2 3 आ गया। वैल्यू C1 और C2 की पुट करें, आंसर आपके सामने है। जी, और लास्ट एग्जाम्पल इसकी जो कि आप खुद सॉल्व करेंगे, वाई डबल प्राइम के साथ ए, वाई प्राइम के साथ बी और वाई के साथ सी, 3 वैल्यूज हैं। इक्वेशन को सॉल्व करें और आपके पास यहाँ पे क्या है, R1 सिंगल वैल्यू, केस 2 आप पुट करें, और बार बार कह रहा हूँ केस एक्स को ना भूलिएगा, तो यहाँ पुट कर लें। आपको कंडीशन गिवन है कि वाई ऑफ 0 3 है और वाई ऑफ 1 7 ई के इक्वल है। वाई ऑफ 0 पुट करें, तो आपने जब वाई ऑफ 0 पुट किया तो आपके पास ये, चूंकि यहाँ पे x मौजूद था तो ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे e की पावर 0
वन सी वन इज इक्वल टू थ्री, और आपके पास y इंटू वन इज इक्वल टू सेवन ई। जब ये पुट करेंगे तो आपके पास e पावर वन और ये भी e पावर वन, ये c वन तो थ्री के इक्वल है तो थ्री ई आ गया, ये उधर जाके माइनस फोर ई, ई से कट गया, c इज इक्वल टू फोर, और ये वैल्यूज आप यहाँ पे रख दें। यहां तक हमारी हो गई होमोजेनियस सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसकी मैंने आपको छह एग्जाम्पल सॉल्व कराई जिसमें मैंने आपको इनिशियल कंडीशन का भी दे दिया कंसेप्ट, और तीनों केसेस को मैंने बार बार यूज करवा के प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की ताकि ये बातें हमें फिंगर टिप्स पे तैयार हो जाएं, और ये कब होंगी जब ये तीनों केस आप हिफ्स कर लेंगे। यहाँ तक किसी बात की समझ नहीं आई कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज रीजन क्या है कि शेयरिंग ऑफ नॉलेज जो है आप वो क्या होता है वर्चुअल होता है, इससे हम कोई कमाई नहीं कर रहे हैं लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि जो वीडियो हम रिकॉर्ड तो करते ही हैं तो उसको अपलोड कर दिया जाए ताकि किसी को इस वीडियो से हेल्प होती है तो वो हो जाए। जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक अल्लाह हाफिज़।